फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई और एनर्जी से भरपूर रेसिपी, जिसको खाकर आप एनर्जेटिक फील करेंगे। फ्रेंड, ये रोजे रखकर कमज़ोरी फील होती है, तो आप इसे सहरी में बनाकर एक कटोरी पी लें, आप पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। ये बहुत ही हेल्थी खीर बनकर तैयार हुई है साबुदाने की, आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। देखिए फ्रेंड्स, खीर की कंसिस्टेंसी ये देखिए, ये अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है थोड़ी सी, ये देखिए। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम साबुदाना लेंगे। देखिए, आधी कटोरी मैंने साबुदाना ले लिया है। अब हम इसको भिगो देंगे, एक गिलास पानी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको 15 मिनट के लिए उठाकर रेस्ट पर रख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला स्टेप करते हैं हम अपना। हमने ये दूध ले लिया है, देखिए जितना आपको बनाना है आप उतना दूध ले लीजिए, और इसमें एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, अपने इसमें दो उबाल आता है, मैं आगे की तैयारी बता देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, थोड़े से हमने बीज ले लिए हैं, थोड़े काजू बादाम, 7-8 काजू बादाम, 7-8 मैंने काजू लिए थे, 7-8 बादाम लिए थे, 7-8 अखरोट लिए थे। साबुदाना हमने भिगो के रखा हुआ था। अब मैं आपको अगले स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इसको पियेंगे ना, इससे आपकी पूरी दिन की एनर्जी, फुल एनर्जी आपके अंदर रहेगी, और ये बहुत टेस्टी और हेल्थी बनकर तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, अब 5 चम्मच में चीनी डालूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए, हमने ये साबुदाना भिगोया है, हम वो इसमें डाल देंगे, अपनी खीर के अंदर डाल देंगे इसको। देखिए, अब हमने इसमें साबुदाना डाल दिया है। अब इसको कम से कम 4-5 मिनट हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, 3-4 मिनट इसको पकाते हुए हो चुके हैं, हमारा साबुदाना भी गल चुका है अच्छे से। देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो सब इसमें डाल देंगे। देखिए, बहुत हेल्थी बनकर तैयार होगी ये। देखिए, अब इसको 2-4 मिनट और पका लेते हैं, पकाने के बाद फिर मैं आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारी बनकर तैयार है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी और कितनी हेल्थी बनकर तैयार हुई है। देखिए,